सबसे फेवरेट जगह जहाँ मैं बैठता हूँ। सो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। माई नेम इज़ निमित राठौर। तो गाइज, आज हम आ गए सवेरे सवेरे ऊपर, क्योंकि आज सनराइज बहुत ही प्यारा हो रहा था। मैंने नीचे से देखा कि बादल बहुत ही कलरफुल हो रहे हैं, तो क्यों ना हम ऊपर जाए। तो गाइज, ऊपर आके देखा तो और भी मस्त लग रहे थे। तो मैंने कुछ सिनेमेटिक शॉट भी लिए और टाइम लैप्स भी लिया, तो काफ़ी अच्छा आया गाइज, आप देख लेना। ओके, एंड अभी तो आ गए हमारे छत पे मंकी, ये देखो गाइस। ये देखो यहाँ पे मंकी गाइस रोज आ जाते हैं गाइस हमारे घर पे छत के ऊपर मंकी, तो इसका क्या करें गाइस, बताओ, आप बताओ। एंड गाइस, अभी जो हो रहे हैं बादल, वो कितना मस्त है यार, देखो। एंड सूरज दादा बादलों में खो गए। और गाइस, मैं जब टाइम लैप्स ले रहा था तब बगे बीच बीच में आ रहा था, वो बंदरों को भगा रहा था, तो गाइस उसे आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चा है अभी, पता नहीं है उसे। सो गाइस, अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी ठंडी हवाएं बहुत चल रही है, तो ऊपर ज़्यादा देर रहूँगा तो ठंड लग जाएगी मुझे, तो उससे बेहतर है नीचे चले जाते हैं हम। एंड मैं तो सिर्फ ऊपर सनराइज़ कैसा दिखता है उसकी वीडियो शूट करने ही आया था। तो अब जाते हैं नीचे और मैं आपको मिलता हूँ सीधा नहा के, फ्रेश होके। ओके, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। ओके, बाय द वे, यहाँ पे दो बंदर तो आ चुके हैं और दूसरे है इस वाले पेड़ पे, तो धीरे धीरे आएंगे सब। गाइस, 7 दिन से हमारी सोसाइटी में बंदरों का आतंक मचा हुआ है, पता नहीं क्या सीन है, रोज आ जाता है बंदर, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू से खाने का मिल जाता है इसलिए सब। तो अब हम चलते हैं नीचे गाइस, लेट्स गो। ठंडी हवाएं बहुत चल रही है। ओके, सो गाइस, हम नहा धोके हो गए रेडी, एंड अभी लाइट भी आ गई है, लाइट देखी तो, और अभी बगे भी आ गया है। तो गाइस, हमने बैग पैक कर लिया, क्योंकि हम जाने वाले हैं हमारे गांव, मतलब मैं अकेले ही जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ गांव आज, तो दिखाएंगे आपको गांव कैसा है। जा रहा है अभी बाहर खेलने। ओके, सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं गांव, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 50 से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम जाएंगे, क्योंकि हम जाने वाले हैं हमेशा की तरह बस में गाइस। एंड अभी बजे है 10:30, तो हमारी बस है 12 बजे की, तो आधा घंटा हम जल्दी निकलेंगे, क्योंकि
जल्दी निकलना चाहिए, इसलिए हम जल्दी निकलेंगे। ओके तो मिल के आता है दादा दादी से, कई दिनों से गए नहीं, और फैमिली वालों से मिल के आता है। तो उम्मीद है सीधा थोड़ी देर। ओके तो गाइस अब हम जा रहे हैं, बस का टाइम हो गया है, तो चल रहे हैं, लेट्स गो। मम्मी जय अम्बे। चलते हैं यार। ओके तो गाइस हम रिक्शा से यहाँ बस स्टैंड तक आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड बस में। यहाँ से थोड़ी दूर में बस नज़दीक ही है बस स्टैंड हमारा, ये रहा सामने दिखाई दे रहा है। गाइस हम बस में पहुंच चुके हैं, आज बहुत ही लेट आई हमारी बस, तो थोड़ी देर में बस हम पहुंच जाएंगे। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर। Everybody knows my name now. Something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. Feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older, it'll all calm down. But it's killing me now. What if you had it all, but nobody to call? Maybe then you'd know me. 'Cause I've had everything, no one's listening. Let's just f***ing know me. I'm so. फाइनली पहुंच चुके हैं हमारा गांव। ओके इस तरह से कुछ हमारा बस स्टैंड। अभी आगे से रिक्शा करके जाएंगे क्योंकि थोड़ा दूर है हमारा घर, तो आगे से रिक्शा करके फिर कल चलते हैं। ओके समय चुकी है फाइनली हमें। ओके सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर, और ये देखो गाइस यहाँ पर मजा आ गया इसको तो। ओके मेरा घर ऊपर, दादा बैठे, दादा को मिल के आता है। ओके सो गाइस ये है मेरा रूम कुछ इस तरह, लिविंग रूम ये सब ऐसा कुछ इस तरह, और ये पेंटिंग है जो मेरे पापा ने बनाया है, और ये भी मेरे पापा ने बनाया है मेरी बहन का, और ये भी ये कैमरा देख रहे हो गाइस, ये भी मेरे पापा ने बनाया है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ कोई तस्वीर है, मत ये कोई तस्वीर नहीं है गाइस, ये पेंटिंग है जो मेरे पापा ने बनाई हुई है अपने हाथों से। एंड ये भी मेरे पापा ने बनाया है। मेरे पापा पेंटर थे, बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते थे गाइस। हाँ तो और भी कई सारी पेंटिंग है, इतनी नहीं है, कई सारी और भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके एंड और एक ये रही, और ये मेरी पेंटिंग गाइस, मैं छोटा था तब की ऐसे बनाई। एंड ये क्या हमारा टॉयलेट बाथरूम, एंड ये हमारा किचन, ये दूसरा रूम, और ये कुछ ऐसे स्टोर रूम जैसे सब कुछ। ओके और ऊपर दिखाता हूँ गाइस आपको ऊपर कैसा,
सिंपल गाइस, कुछ इस तरह से यहाँ पे रूम, और एक रूम यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे, और ऐसा व्यू है कुछ। सबसे फेवरेट जगह जहाँ मैं बैठता हूँ, ये झूला मेरे लिए बस स्पेशल है, ये झूला क्योंकि मेरे लिए बहुत स्पेशल है गाइस, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस झूले से, और यहाँ का यहाँ से व्यू भी अच्छा आता है गाइस, और इतनी शांति मिलती है यहाँ से व्यू कुछ इस तरह है। सामने ये सारे दिख रहे हैं गाइस, ये इमली के पेड़ है सब, ये सब इमली के पेड़। बाय द वे, मैंने आपको ये नहीं दिखाया, ये हमारा बादाम का पेड़ है ये। ओके, और इसके पीछे गाइस तालाब है, इसके पीछे पेड़ों के पीछे है तालाब, और तालाब के बीच में गाइस एक मंदिर है, तालाब के बीच में गाइस एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कमलाव माता का, वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा पूरा ब्लॉग, उस मंदिर पे हम बनाएंगे अलग से, तो वो आपको दिखाना है, वो बाकी रह गया है, वो दिखाऊंगा। वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे गांव का, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा गाइस। ओके, हमारा खाना पीना सब हो गया है शाम का, तो मैंने अभी खाया दादी के घर पे, और गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी सिंपल था, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, एंड अभी मैं जा रहा हूँ गाइस एडिटिंग करने, इसलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम एंड, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, बाय। बाय द वे, इतना अंधेरा क्योंकि अंधेरा है इसलिए कि लाइट नहीं है हमारे घर पर, वो नहीं जल रही। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आज हम आ गए सवेरे सवेरे ऊपर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो हे गाइस,